नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी का राष्ट्रीय जनता दल के जिला कार्यालय में मना रहे हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सारे साथ चंद्रशेखर जी बराबर गांव गरीब किसान के लड़ाई लड़ते थे और समाजवादी धारा के राजनीति करते थे और भोजपुर जिला से उनका खास जुड़ाव रहता था और बराबर प्रधानमंत्री भी बनने के बाद उन्होंने भोजपुर आने का काम किए थे और साल में 2 से 3 बार निश्चित तौर पर भोजपुर आते थे और कहते थे कि भले मेरा एक परम भूमि नहीं है लेकिन मैं यहाँ के लोगों से एक एक व्यक्ति को राजनीतिक साथी को जानते थे और यहाँ के भी राजनीतिक साथी जो दिल्ली जाते थे उनके आवास पर ठहरते थे और बराबर अपने परिवार के तरह सारे साथियों का सम्मान और मान देते थे और बराबर वो गरीबों किसानों वंचित वर्ग के लड़ाई लड़ते थे। इसलिए आज हम लोग सारे राष्ट्रीय और हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी को भी बहुत उनका स्नेह और आदर रहता था। आज हम लोग सारे साथी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता उनको याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर बाबू की पुण्यतिथि मना रहे हैं पार्टी प्रधान कार्यालय आरा में और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से दिल से लगाव रहता था और चंद्रशेखर जी की अगुवाई में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री लालू जी ने शपथ लिए थे और बिहार के लोगों के मान सम्मान की रक्षा के लिए चंद्रशेखर बाबू हमेशा ही सदैव तत्पर रहते थे और भोजपुर और बलिया में वो अंतर नहीं रहने देते थे। भोजपुर और बलिया एक सम्मान मानते थे, इसलिए भोजपुर राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप से चंद्रशेखर जी के याद में आज पुण्यतिथि हम लोग पार्टी प्रधान कार्यालय मना रहे हैं और चंद्रशेखर बाबू गांव गरीब किसान की आवाज़ को सड़क से लेकर सदन तक अंतिम सांस तक उठाते रहे और जिस व्यक्ति ने पूरे देश में एक जुआ तुर्क के पहचान से जाने जाने वाले उस व्यक्ति का नाम है चंद्रशेखर बाबू और देश के आम आवाम में चंद्रशेखर बाबू के जो चलने का पग था, चलने का रास्ता था, निश्चित रूप से गांव गरीब किसान और छात्र नौजवान उस रास्ते पर चले तभी चंद्रशेखर बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल उनकी आवाज़ों को मुखर करने का काम करते रहे।